नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे UPI पेमेंट के बारे में। इन दिनों अब सोशल मीडिया में एक खबर बहुत तेजी से तैर रहा है, जिसमें इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अब अलग से चार्ज देना होगा। आपको बता दें कि इन दिनों UPI काफ़ी पॉपुलर है, पैसे के लेन देन में काफ़ी आसान भी है और लोगों को इसका इस्तेमाल भी खूब कर रहे हैं। अब तो स्थिति यह है कि आपके पैकेट में अगर पैसे नहीं हैं और आप बाज़ार में हैं, बस आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आप सभी सामान को आसानी से खरीद कर अपने घर वापस लौट सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से एक खबर जो है सोशल मीडिया में तेज़ी से वायरल हो रहा है, कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि अब UPI करने पर आपको अलग से पैसे देने होंगे, जिसके बाद आम लोगों के बीच में कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि क्या UPI करने पर हमको जो है अलग से पैसे देने होंगे। जब UPI को लेकर कन्फ्यूजन पैदा हुआ तो वित्त मंत्रालय की तरफ से एक के बाद एक ट्वीट सामने आने लगे, जिसमें वित्त मंत्रालय ने अपने ट्वीट में यह स्पष्ट करते हुए मंत्रालय की तरफ से बताया है कि UPI लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है। UPI सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है। लागत की वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर की चिंताएं दूसरे माध्यमों से पूरी करनी होगी। इसके साथ साथ वित्त मंत्री ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी और इसी तर्ज पर इस साल भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने और आसान बनाने और यूजर को अनुकूल पेमेंट प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए इसकी घोषणा की है। आइए अब समझ लेते हैं आखिर UPI में अतिरिक्त पैसे लगने की बात निकल कर कहां से आई। बता दें कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक समीक्षा पेपर जारी किया था, जिसमें उन्होंने यह कहा कि क्या ऑनलाइन पेमेंट पर स्पेशल चार्ज मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगाया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि इसे कैसे लागू किया जाए। इस दौरान RBI की तरफ से एक सुझाव मांगा गया था, जिसमें यह कहा गया कि हर ऑनलाइन पेमेंट पर एक ही तरह का चार्ज वसूला जाए या फिर जितने पैसे ट्रांसफर किए गए हों उस हिसाब से शुल्क की वसूली की जाए। इसके साथ साथ डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन को लेकर भी इसी तरह की बात कही जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी सफाई में इस तरह की सभी बातों को झुठला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि यह इस तरह की कोई भी योजना सरकार की तरफ से नहीं लाई जा रही है। ऐसे में अब UPI पेमेंट करने वालों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि UPI पेमेंट ट्रांसफर करने पर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा और ना ही कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। तो ये थी UPI से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।